उत्तराखंड में एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले 20 वर्षों से फरार खुड़ासन का गैंग लीडर राजू दास, जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम था, उसको एसटीएफ की टीम ने महाराष्ट्र गिरफ्तार कर लिया है। एक प्रेस वार्ता में एसटीएफ के अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि इसका काम करने का तरीका पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग गैंग बनाकर बड़े बड़े शोरूमों और दुकानों में चादर डालकर घटना को अंजाम देते थे। इस गैंग में महिलाएं भी शामिल थी, जो कि पहले से ही टारगेट की शॉप के आगे चादर डालकर उसका शटर तोड़कर चोरी करती थी। ज्यादातर चोरियां यह लोग मोबाइल के शोरूम में ही करते थे। और ये आज भी जब हमने इसको कल पकड़ा है, वहां पर महाराष्ट्र में शिरडी जनपद में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए गए हुए थे। इनके 7 लोग वहां पर मौजूद थे और जल्द ही किसी बड़ी घटना को उस करने की फिराक में थे। तो इसमें हमारी टीम के इनपुट पर इसको भी पकड़ा गया, साथ में इसके बाकी के जो टीम मेंबर्स थे, गैंग मेंबर्स थे, उनको शिरडी पुलिस ने गिरफ्तार किया।